व्यूअर्स, प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, साथ ही साथ ये हमें एनर्जी भी देता है। और अगर इसके शरीर में कमी हो जाए तो बहुत सी दूसरी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो आप खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। आज मैं आपको प्रोटीन पाउडर बनाकर भी दिखाऊंगा घर में कि आप उसे कैसे बना सकते हैं बहुत कम पैसों में। अगर कम पैसों की भी बात बताऊं तो मैं बता दूं आपको कि 70 से 80 रुपए में 1 kg प्रोटीन पाउडर आप अपने घर में बना सकते हैं और आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाहर के जो पाउडर मिलते हैं उनको भी आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जो आप बना रहे होंगे घर पर वो शुद्ध होगा, प्योर होगा और उस पर आपको भरोसा होगा। लेकिन बाहर के जो प्रोटीन पाउडर, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो खराब हो, वो भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ इतने महंगे हैं जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और कुछ जो सस्ते हैं तो फिर उनका ये नहीं पता कि उनमें कितना प्रोटीन है और कितनी दूसरी चीज़ें हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए ये रहेगा कि आप अपना प्रोटीन पाउडर खुद घर पर बनाएं जो कि 100% प्योर होगा। साथ ही साथ जो अगर हम खाने की बात करें तो आज के समय में जो हमारा खाना है उस खाने में प्रोटीन की कमी अक्सर हो जाती है और उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक ऑप्शन यही है कि हम कम से कम अपने खाने में इस कमी को पूरा करें जिससे कि हम हेल्दी रहें। अगर इसको हम जोड़ें कि हमें हमारी बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितना प्रोटीन चाहिए तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय आपका बॉडी वेट। अब सपोज मुझे अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा अपना बॉडी वेट। जैसे मेरा बॉडी वेट है 70 kg, अब आंसर आ जाता है मेरा 56, यानी 56 ग्राम मुझे प्रोटीन दिन भर में चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों का जो भी बॉडी वेट है आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रोटीन पूरे दिन में चाहिए। तो चलिए फिर बनाते हैं 100% प्योर प्रोटीन पाउडर, लेट्स गो। व्यूअर्स, इस प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत है हमें इस सोयाबीन दाना की, जो ये कुछ इस तरह से है जो मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। और ये दूसरा है नमक, जो रेगुलर साल्ट जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो आप ये देखते हैं फिर आगे कुछ इस तरीके के पैन में हम ये जो रेगुलर साल्ट है हम इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा हल्का गर्म होने देंगे क्योंकि इसी साल्ट में हमें इस दाने को रोस्ट करना है। वो इसलिए कि जब हमारा ये नमक गर्म हो जाएगा और जब हम इस दाने को इसमें रोस्ट करेंगे तो ये प्रॉपर रोस्ट होगा, यानी कहीं से जलेगा ऐसा नहीं होगा कि कहीं से जल गया कहीं से कम रह गया, तो इस तरीके से नहीं होगा। ये इवनली चारों तरफ से बराबर रोस्ट होगा, जैसे प्रॉपरली कहीं मशीन्स में रोस्टिंग की जाती है तो उस तरीके से ये दाना आराम से बहुत अच्छे से रोस्ट होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नमक है ये हमारा थोड़ा सा हीट अप हो जाए और उसके बाद हम इसको इस दाने को इसमें थोड़ा सा डालेंगे। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा चलाते हैं, अभी ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। अभी हमने इसको देखा कि इसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगी है तो हम इस दाने को, जो सोयाबीन सीड है हमारे पास, इसको हम पूरा इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। लगातार चलाने से ये एक तरफ से जलेगा नहीं और प्रॉपर सही से रोस्ट होंगे। सोयाबीन सीड जो रोस्टेड होते हैं उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो 100 ग्राम सोयाबीन है उसमें लगभग 43 ग्राम हमारा प्रोटीन होता है। तो इट्स वेरी रिच प्रोटीन और ये हमारे जो खाने में जो कमी रहती है उसको काफ़ी हद तक पूरा करेगा। अब हम लगातार इसको चलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जलने नहीं चाहिए एक साइड से, इसलिए प्रॉपरली इनको सही से चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद इनमें हल्की सी पॉपिंग की भी आवाज़ आने लगेगी तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ अब ये भुन रहे हैं। ध्यान ये रखना है इसको एक चीज़ का बहुत अच्छे से कि जब आप इसको भून रहे होंगे, रोस्ट कर रहे होंगे, तो ये इस चक्कर में नहीं रहना है कि इसका ऊपर से कलर हमें हल्का सा गोल्डन दिखेगा तभी हम समझे कि ये भुन गए हैं, बल्कि इसके दाने को आपको अंदर से चेक करके देखना है कि ये सही से प्रॉपर रोस्ट हो गए नहीं हो गए हैं। एक्चुअली जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो सोयाबीन का एक कुछ ऐसा है इसके साथ में कि ये ऊपर से कलर इसका चेंज नहीं होता है, ये अंदर से रोस्ट हो जाती है। तो इसलिए आप इसको लगातार 5 मिनट रोस्टिंग करने के बाद आप इसको लगातार चेक करेंगे कि ये नॉर्मल इसका हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ जाना चाहिए, दैट मीन्स कि ये रोस्ट हो गई है। बट ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे नहीं तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और आप इसे दूध या पानी किसी में मिलाकर पी नहीं पाएंगे। और वैसे अगर नॉर्मल रोस्ट ये होगी प्रॉपर तरीके से तो ये बहुत अच्छी लगेगी आपको, आप आराम से इसको किसी चीज़ में भी मिलाकर पी सकते हैं।
आप देख रहे होंगे कि इसका कलर ऑलमोस्ट जैसा था पहले उससे हल्का सा चेंज हुआ है। तो उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है अपनी फ्लेम और अपने इसको जैसे मैं चला रहा हूँ इस चीज़ पर प्रॉपर ध्यान रखना है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको इसको करने में अगर आप इसे किसी जैसे मैं कर रहा हूँ इस पैन में। और इसी तरीके से आप इस जैसे मैंने तो ये थोड़ा अमाउंट में दिखा रहा हूँ आपको, आपका 1 kg, 2 kg या फिर उससे कम, 1/2 kg या 250 ग्राम, जितना भी आप करना चाहें उतना आप आराम से घर पे रोस्ट कर सकते हैं। मैं फ्लेम स्लो कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार। और मैं इसका एक दाना चेक करके देख लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि आप ये ना सोचें कि ये ऊपर से कलर चेंज हुआ है या नहीं। यस, ये बिल्कुल गोल्डन कलर की हल्की सी, देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब ये रोस्ट हो चुकी है। अभी हमें इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि इससे ज़्यादा रोस्ट में इसका कलर और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, इसको छान लेते हैं इसकी हेल्प से। अब मैं इसे इस तरीके से, देखिए हमारी सोयाबीन अलग आ गई और इसको अब हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हम इसको सारा निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और फिर ठंडा होने के बाद हम आपको फिर बताते हैं। अब ये सोयाबीन हमारी जो यहाँ पर है ये ठंडी हो चुकी है और इसे हम जार में डालकर पीस लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे और ये कुछ आपके सामने इस तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको एक कंटेनर में फिल कर लेंगे जिससे जब हम चाहें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई कंटेनर हम ले लेंगे और उसमें इसको फिल कर लेंगे। व्यूअर्स, ये पाउडर हमारा बनके तैयार है और हमने इस कंटेनर में इसको रख लिया है और हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो दिन में आप खाना खाते हैं उस खाने में जो प्रोटीन की कमी होती है उसको ये आपके पूरा कर सकता है। यानी जब हम दिन में खाना खाते हैं तो उसमें अगर दाल हमने कभी मिस कर दी है, कभी खाना ही मिस कर दिया है, तो अगर आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार एक एक चम्मच किसी भी तरीके से पीते हैं, चाहे दूध में या फिर पानी में हल्का सा स्वीट मिलाकर, तो ये आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा और आपको हेल्दी भी बनाएगा। तो आई थिंक सो दिस वीडियो वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।